नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं GPN24। दिल्ली के द्वारका इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर घर में काम करने वाली 10 साल की छोटी बच्ची को पूरी तरह से प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद लोगों ने बच्ची को प्रताड़ित करने वाली आरोपी महिला की गुस्से में आकर पिटाई कर दी। दरअसल बच्ची पर चोरी करने के आरोप में महिला ने उसे पूरी तरह से टॉर्चर किया था। महिला ने बच्ची के साथ मारपीट कर उसे कई जगहों पर चलाया भी था, जिसके बाद मौका पाकर बच्ची किसी भी तरह से घर से भागने में कामयाब रही और बाहर आकर उसने पूरी बात अपने परिजनों को बताई। लड़की की हालत देख परिजनों और आसपास के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने आरोपी महिला को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। आरोपी महिला पूर्णिमा बागची उम्र 33 वर्ष एक प्राइवेट एयरलाइन में पायलट है, जबकि उसका पति कौशिक बागची उम्र 36 वर्ष किसी दूसरी एयरलाइन में ग्राउंड स्टाफ है। मामले में पुलिस को भी जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने महिला और उसके पति पर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला द्वारका 9 का बताया जा रहा है। बच्ची 2 महीने से इनके यहाँ रहकर काम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के माता पिता उसे नौकरी पर रखकर अपने गाँव बिहार चले गए थे। बच्ची की बुआ आरोपी के घर के पास ही काम करती थी, उसने ही बच्ची को पीटते हुए देखा था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GPN24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GPN24 न्यूज़।